के थाना गुलरिया में 3 तारीख को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उस महिला की मृत्यु हुई। महिला के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल संचालक के ऊपर इलाज में लापरवाही हेतु एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इस घटनाक्रम की जांच हेतु एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा और एसएचओ गुलरिया की एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि सत्यम हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था, जिसमें इलाज वहीं के मालिक के बेटे रंजीत निषाद द्वारा और एक अनट्रेंड दाई द्वारा उस महिला का इलाज किया गया, जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हुई। जांच के क्रम में और हिरासत में लेकर जब रंजीत निषाद से पूछताछ हुई तो यह भी तथ्य प्रकाश में आए कि यह हॉस्पिटल पूर्व में अन्य नामों से जब संचालित हो रहा था तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको सील किया गया था। पुनः तीसरी बार यह सत्यम हॉस्पिटल के नाम पे इसके द्वारा पंजीकरण कराया गया। एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जिसकी डिग्री इस हॉस्पिटल के पंजीकरण में इस्तेमाल हुई है, इसकी पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वह चिकित्सक जनपद में मौजूद नहीं है और ना ही उनके द्वारा इस चिकित्सालय में कोई इलाज किया गया है। यह भी जानकारी हुई कि इस हॉस्पिटल के नवीनीकरण के लिए यह नाम बदलकर जो भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है उसमें जो इस हॉस्पिटल का मालिक है और संचालक है उसके द्वारा कुछ दलालों को भी सहयोग लिया गया। इस घटना को गंभीर मानते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 304, 419, 420 और इंडियन मेडिकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन संचालक रंजीत निषाद को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जिन अन्य लोगों की भूमिका प्रकाश में आई है उनके लिए भी पुलिस टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये घटनाक्रम काफी गंभीर है, जिसमें कि आसपास के गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स जहां पर अनट्रेंड लोगों द्वारा इस तरह का इलाज करके उनकी जान माल को खतरा बन रहे हैं। जांच में ये भी बात प्रकाश में आई है कि इस हॉस्पिटल की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है या प्रिस्क्रिप्शन पैड है उस पर अन्य डॉक्टर्स के भी नाम अंकित है। विवेचना के क्रम में जिस डॉक्टर के नाम पर यह हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया गया है उसको भी नोटिस जारी किया गया है और अन्य डॉक्टर जिनके नाम इस पैड पर अंकित हैं उनको भी नोटिस विवेचक द्वारा जारी किया गया है कि आगे एक्सप्लेन करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस पर्टिकुलर केस में कि इसका पंजीकरण किस तरह से हुआ, नवीनीकरण किस तरह से हुआ, इस पूरी प्रक्रिया की एक विभागीय जांच करवाएं और दोषी पाए जाने पर उन व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक, विधिक और विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से भी अनुरोध किया जा रहा है कि जनपद में जितने भी पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनकी जो भी सूची वर्तमान में उनके पास अपडेटेड जो सूची है उसको मीडिया के माध्यम से पब्लिक के साथ शेयर करें ताकि जानकारी हो सके कौन से हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं। इस सूची के इत्र जितने भी अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल्स हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाए और उनके ऊपर संबंधित स्वास्थ्य विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी पंजीकृत या इस सूची में जो भी हॉस्पिटल्स हैं इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया है कि एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए, जिससे हॉस्पिटल रजिस्टर करवाने वाले डॉक्टर वाकई में क्या वहां पर इलाज कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसका भौतिक सत्यापन हो सके। तीसरा, इसमें जो IMA है गोरखपुर है उनको भी एक पत्र लिखा जा रहा है कि वो इस घटनाक्रम के माध्यम से
उनके जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जितने भी जुड़े हुए चिकित्सक हैं, उनको इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उनको जागरूक करें कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में भविष्य में संलिप्तता अपनी ना करे। इसी तरह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, एम्स के डायरेक्टर, उनको भी अनुरोध किया जा रहा है कि वहां पर उनके यहाँ अगर संविदा पे कोई डॉक्टर्स हैं या जो प्रशिक्षु जो डॉक्टर्स हैं जब वो डिग्री लेकर के निकलते हैं, तो उस समय पर उनका एक जागरूकता और सेमिनार करके उनको इस घटनाक्रम या इस तरह के और घटनाक्रम के बारे में जागरूक करें और ये सुनिश्चित करें कि वो इस तरह के किसी भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हो। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह हैं, उनकी एक सूची जो सीएमओ ऑफिस से हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसको हम अपने विभाग के माध्यम से भी उसके बारे में अधिसूचना संकलित कर रहे हैं कि ऐसे कौन से अवैध हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह से चल रहे हैं और जो आम जनता की जान माल के लिए खतरा बने हुए हैं, इनके ऊपर भविष्य में भी कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी। और अगर इस तरह से संगठित रूप से लोग इसको चला रहे हैं तो इसमें गैंगस्टर की भी जो कार्रवाई है वो भी इसमें अमल में लाएगी। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।